नमस्ते, मैं आशीष कुमार प्रमाणिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया। हाँ, एक बार बात रखे थे मीडिया वाले, उसी से कहीं ना कहीं न्याय मिल जाना चाहिए। तो क्या उम्मीद करते हैं सरकार से आप? अब तो हमको कुछ उम्मीद नहीं लग रहा सरकार से, इतना तो हम दर दर पर रख रहे हैं। सरकार से कैसे उम्मीद नहीं आप? नहीं उम्मीद है, हर जगह हम जा रहे हैं, क्या जाए हम? हम लोग तो सुसाइड कर लेंगे, क्या करेंगे? दर दर एक महिला जात होकर इतना भटक रहे हैं हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और करते हैं खास खबरों की ओर। वर्ष 2007 में खूंटी जिले की एक नाबालिग लड़की को उसकी मां, चाचा और मौसा ने रोहतक निवासी 50 वर्षीय कर्म सिंह को 70,000 रुपए में बेच दिया था। वर्ष 2014 में बेची गई लड़की, जो कि अब शादीशुदा हो गई है, पति कर्म सिंह से उसकी दो पुत्रियां हुई हैं, किसी तरह अपनी बड़ी बेटी के साथ भागकर खूंटी आ गई। यहां वर्ष 2018 में उसने अपनी मां, मौसा, मौसी और तथाकथित पति कर्म सिंह के खिलाफ स्थानीय थाना में केस दर्ज कराया और साथ ही महिला ने जिला प्रशासन से अपनी बच्ची को वापस लाने की गुहार लगाई है। लेकिन अब तक महिला की छोटी बेटी को हरियाणा से नहीं लाया गया है। छोटी बेटी को हरियाणा से लाने के लिए मां ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर संबंधित क्षेत्र के अधिकारी पदाधिकारियों से भी पत्र लेकर गुहार लगा चुकी है। इतना ही नहीं, महिला ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। महिला इतनी पीड़ित है कि वे न घर की रही न घाट की रही, न ससुराल है और ना ही मायका। खूंटी जिला की रहने वाली यह महिला दूसरे जिले में अपनी पहचान छुपाकर रहने को विवश है। मजदूरी कर जीवन यापन करने वाली इस महिला की दुर्दशा यह है कि वे अपनी बेटी को सही तरीके से पढ़ा भी नहीं पा रही। सरकारी स्कूल में दाखिला के लिए संपर्क करने के बावजूद भी बेटी के सरकारी स्कूल में नामांकन नहीं हो पा रहा है। अनेक समस्याओं से गुजर रही महिला ने न्यूज ऑफ इंडिया के साथ बातचीत की और सरकार से मदद करने की गुहार लगाई है। देखिए एक रिपोर्ट। नमस्ते, मैं आशीष कुमार प्रमाणिक और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ इंडिया। आज मैं उस जगह में आया हूँ जो जगह का नाम भी नहीं बता सकता हूँ, और एक महिला अपनी एक बेटी के साथ में दर बदर की ठक्करें खा रही है। और वह क्या ऐसा ठक्कर है जो कई मीडिया संस्थानों में भी खबर छपने के बाद में भी आज उस महिला को न्याय नहीं मिल पाई है। आइए उस महिला से ही हम सुनते हैं। 2007 में मेरा चाचा, मौसा, मौसी, माँ हमको हरियाणा में बेच दिया था। 50 साल के बूढ़ा, काफ़ी उम्र था, बेच दिया उसे शादी के झांसा करके और हमको वहाँ ले गया। और मेरा साथ में रेप हुआ, गलत हुआ, उसका भाई लोग भी मेरा साथ गलत किया, खूब मारपीट किया। उसका दो बच्चा हुआ मेरा, एक बड़ी बेटी है और एक छोटी बेटी है। बड़ी बेटी को किसी तरह हम लेके आ गए भाग के और छोटी बेटी वही रह गई, किसी तरह जान बचा के फिर यहाँ अपना मजदूरी सब झाग सब्जी बेचने लगे, दाई उई का काम करते, जो मजदूरी मिलता था वही करते थे। उसके बाद फिर हम थाना गए केस करने के लिए, थाना वाला भी कोई नहीं सुना। फिर हम हाईकोर्ट में शिकायत किए, हाईकोर्ट में शिकायत करने के बाद फिर वहाँ से लेटर आया, फिर थाना वाला लोग डर से केस किया। उसके बाद में भी मैं हमको घर से भी निकाल दिया कि जाओ तुमको जहाँ बेचे हो ही रहो। उसके बाद हम हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में चाचा लोग का बेल रिजेक्ट हुआ, ये लोग बेल के लिए गया था। तो उस समय हमको वहाँ जज साहब से बोले कि सर मेरा बच्ची वहाँ बेच भी सकता है, ये लोग मेरा साथ जैसा जीवन बर्बाद किया वैसा मेरा बच्ची के साथ भी कर सकता है, सर हमको बच्ची दिला दीजिए। वो बोले कि ठीक है, हम बच्ची लिख दे रहे हैं, आपको बच्ची मिल जाएगा और क्या काम सर हमको कुछ काम भी हमको दीजिए सर, हम मजदूरी करते हैं, घर भी नहीं है मेरा रहने के लिए, किसी तरह एक बच्ची के लेके दर दर भटकते हैं, घर भी कोई नहीं देता है। तो बोले कि ठीक है, तुमको नौकरी क्या काम कर सकती है, नौकरी भी मिलेगा, पुनर्वास भी मिलेगा, ये सब लिख दिए 2018 ही के आदेश है। लेकिन वो आदेश को लेके हम हर जगह तक जा रहे हैं, कोई मेरा आज तक से सुनवाई नहीं कर रहा है। हम प्रधानमंत्री को भी लिखे, मुख्यमंत्री को भी लिखे, वहाँ से भी लेटर आया, फिर एसपी जगह गए, डीएसपी जगह गए, डीसी जगह गए, सचिव सहित तक भी हम गए, हर सरकार गए, लेकिन कोई अधिकारी तक हमको न्याय नहीं दिलाया। एसटीयू थाना में भी गए, वो लोग भी हमको न्याय नहीं दिलाया, से दर दर भटक रहे हैं हम न्याय के लिए। कितना बार मीडिया में भी छपा, पेपर में भी कितना बार छपा है, ये पेपर में भी छपा है। हाँ, ये पेपर में भी। अच्छा। और हम इतना पेपर भी दिए हैं, देखिए सब हम लेटर दिए हैं, प्रधान
मंत्री को दिए हैं, मुख्यमंत्री को दिए हैं, सचिव को दिए हैं, हर जगह हम गए, लेकिन यहाँ कोर्ट में भी दोबारा फाइल किए हैं। ये सब वही कागज सब? हाँ, वही पे कागज सब है, फिर इतना सारा कागज है, लेकिन हमको कोई न्याय हमको नहीं दे रहा, हमको न्याय मिल रहा, हम किसके पास जाएं? तो जैसे दोबारा आप जब जाते हैं, जैसे आपका सीएम साहब को दिए हैं, जैसे पीएम को लिख के चिट्ठी लिखे हैं, डीसी के पास में जाते हैं, तो आप डीसी के पास में जाते हैं तो क्या कुछ कहा जाता है? डीसी के पास में हमको गए थे उस समय, सचिव साहब को वहाँ गए कि सर मेरा बच्चा मंगवा दीजिए, मेरा बच्चा को हमको ना मिलने दिया गया, ना हमें बुलाया, और मेरी बच्ची वहाँ काफ़ी तबीयत खराब रहता है, मेरा बच्ची का सेहत भी ठीक नहीं है, वहाँ कोई देखभाल करने के लिए नहीं है, हम मोहरा बना के उसको रखा है। तो बोले कि ठीक है, लेटर लेके चल जाइए अब डीसी जगह। गए तो डांट के भगा दिए, जाइए जाइए बोल रहे हैं, बात भी नहीं सुन रहे, हम किसके जगह जाएँ? अभी आपकी बेटी जो छोटी बेटी कहाँ है? छोटी बेटी हरियाणा में है, लाया था 2020 में, हमको भी ले गया, शायद हमको ठीक से याद नहीं है, अगस्त था, साथ में ले गया कि चलो आपका बेटी दिलाएंगे बोल के। वहाँ पर आने के बाद फिर वो बूढ़िया थी, काफ़ी बूढ़ी है, 90 साल की, वो भी बोल रही है कि तुम केस उठा, मेरा बेटा को निकालो, तब तुमको बच्चा देंगे। और उसका जो नाती था वो भी बोल रहा है कि हम तुमको बच्चा नहीं देंगे। उस अगर शुरू में बोला कि ये लोग आपको बच्चा देने ही के लिए हम लोग वहाँ से लाए हैं, आपको बच्चा देंगे, अभी हम लोग सहयोग विलेज में रख रहे हैं। उसका बाद में फिर देखे तो इसका नाती हर जगह घूमने लगा, घूमने के बाद फिर ये लोग पता नहीं प्रभावित में आ गया, क्या किया, हमको बच्चा नहीं दिया, फिर हमको कुछ सूचना भी नहीं दिया और मेरा बच्चा को भेज दिया। हमको पूरा विश्वास नहीं है कि मेरा बच्चा को वो लोग ठीक से रखेगा, क्योंकि हम रह चुके हैं, मेरा साथ गलत हो चुका है और मेरे बच्चा के साथ भी गलत हो सकता है, उसको कोई वहाँ बचाने वाला नहीं है। अभी आप किस तरीके से जीवन यापन करते हैं? जीवन इधर उधर काम कर लेते हैं, जैसे कि मजदूरी मिलता है वह कर लेते हैं, खाना बनाने वाला वह काम कर लेते हैं, साग सब्जी बेच लेते हैं, ऐसे ही करते अपना बच्ची का देखभाल कर। आपसे जो मीडिया में खबर आई है, तो कोई मीडिया वाला भी आपसे संपर्क किए थे, बातचीत भी हुआ था क्या? हाँ, एक बार बात रखे थे मीडिया वाले, उसी समय फिर मेरा बच्ची आई थी, वही लोग मदद किए थे। हाँ, उसके बाद मेरा तो फिर आके फिर ये लोग भेज दिया, हमको तो बच्ची भी नहीं दिया। मैंने मीडिया वाला जब आपका खबर को छाप दिया, तो उस समय एक दोनों बेटी आई थी? नहीं, एक बेटी आई थी छोटी, बड़ी को तो हम लेके आए थे। अच्छा, हाँ, तो छोटी बेटी आपका आई थी, उसके बाद फिर चली गई? हाँ, उसके बाद चली गई, नहीं लोग भेज दिया। बच्ची का तो काफ़ी तबीयत खराब था, डर से तो उस बोल नहीं रही थी, बुढ़िया उसको इतना डरा के रखी थी कि रूम में भी रात भर उसको डांटती थी। झारखंड भवन में थे, वहाँ भी उसको रात भर डांटती थी, हम भी बगल में सोए थे, बोल रही थी कि कोई पूछेगा तो बोलना कि नहीं दादी के पास रहेंगे, कि नहीं जाना उसके पास। सरकार कहती है कि जिस तरीके से जो आप पीड़ित हैं, तो पीड़ितों का जिस तरीके से न्याय एक मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं आप भी महिलाएं हैं, और सरकार भी कहती है कि महिलाओं को जो जिस तरीके से दशा होता है, जो पीड़ित होता है, उनका कहीं ना कहीं न्याय मिल जाना चाहिए, तो क्या उम्मीद करते हैं सरकार से आप? अब तो हमको कुछ उम्मीद नहीं लग रहा सरकार से, इतना तो हम दर दर पर सरकार से कैसे उम्मीद नहीं आप? नहीं उम्मीद है, हर जगह हम जा रहे हैं, क्या जाए हम? हम लोग तो माँ बेटी सी वहाँ सुसाइड कर लेंगे, क्या करेंगे? दर्दर एक महिला जात हो के इतना भटक रहे हैं हम, एक तो कोई साथ देने वाला नहीं, कोई मदद देने वाला नहीं, कितना अकेले हम दौड़ेंगे? सरकार की तरफ को हाई कोर्ट तक भी चल गए, वहाँ से भी आदेश हो गया, फिर भी कोई हमको मदद नहीं कर रहा, किसपे भरोसा रखेगी वो हमको मदद करेंगे? इस तरीके से कोई आपको हेल्प अभी तक मिल पाया है? नहीं मिला है, हेल्प मिल पाता तो अभी तक से हमको न्याय भी मिल जाता। आपकी बेटी की उम्र अभी कितना है? अभी उनकी उम्र का उम्र वही 8-9 होता होगा। 8-9 है। हाँ। और अभी जो बेटी आप जो अभी जहाँ पर दूर में है और जो आप देख नहीं पा रहे हैं, उसको उम्र कितना होगा? नहीं, उसी बेटी का उम्र इतना है मेरा पास है, उसका 12 साल है। उसका 12 साल? हाँ, जो वहाँ है उसका 8-9 साल। अभी कितने कक्षा में पढ़ रही है? मेरे पास है बेटी 6-6 कक्षा में है, और उस बेटी को तो पता नहीं लोग पढ़ा रहा है कि लिखा रहा है कि क्या हो रहा है, उसका बेटी का तो सेहत भी ठीक नहीं है। तो
उसको तो पढ़ा भी नहीं रहा है बेटी को, उसका सेहत भी ठीक नहीं है, अच्छा से देखभाल भी नहीं होता है। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, कि मेरा बच्चे को हमको ये लोग दिलाए, न्याय दिलाए, मेरा जो भी कोर्ट का ही आदेश से हमको दिलाए। मायके एक को बार गए? मायके में हम जाते थे, लेकिन हमको वहाँ से भगा देता था मारपीट के, घर में भी हमको नहीं रहने दिया। फिर वहाँ से हम मार जाओ तुमको हरियाणा बेचे हैं, वही तुम जाओ जहाँ बेचे हैं। कोई हमको सपोर्ट नहीं किया मेरा परिवार वाला। फिर हम रेंट भाड़ा में रहते थे अपने बेटी को, सब्जी उब्जी बेच के अपना मजदूरी करके उसको रहते थे। जैसे जिस समय आपको बेच दिया गया था, उस समय आपका उम्र लगभग कितना था? उम्र मेरा 14 साल था, बेच दिया। हाँ, छठा क्लास में पढ़ रहे थे हम। ये आपकी बड़ी बेटी है? हाँ, ये मेरी बड़ी बेटी है। अभी ये पढ़ाई कर रही है? हाँ, पढ़ाई कर रही है। लेकिन आप अभी जो परिवार चलाते हैं, जैसे आप मजदूरी करते हैं जहाँ था, और अभी आप अपना पहचान छिपा के अभी रह रहे हैं? हाँ हाँ, अच्छा, ये लोग के डर से अपना पहचान छिपा के ड्रेस चेंज करके रह रहे हैं, जो कि हम बता नहीं सकते हैं, अपना नाम भी नहीं बता सकते हैं। तो जिस तरीके से अभी आप बाहर में रह रहे हैं, तो कभी आपका मायके जो होता है, आप कभी जाते हैं मायके कभी भी ऐसे? हम उधर चावल उठाने जाते हैं तो बाहर जाते हैं, लेकिन हम डर से नहीं जाते हैं उधर। क्यों, डर क्यों लगता है? क्योंकि ये लोग हमको डराता है कि केस किया है बोल के, अपना जान से खतरा रहता है, इसलिए हम नहीं जाते हैं। कुछ भी लोग कर देगा मेरा साथ, मेरा बेटी के साथ बोल के। आप जैसे पदाधिकारी के पास में जाए, अफसर के पास में आप जाते हैं उम्मीद लेके कहीं ना कहीं मेरा न्याय मिल पाए, तो आप क्या सोचते हैं? जाते हैं उस समय कि हमको न्याय मिले, हमको एक महिला को वो लोग न्याय दे, लेकिन वो लोग अफसर के पास जाते हैं, कोई मेरा बात को नहीं सुनता है। आधा अफसर सब भी रहता है तो डांट के भगा देता है, बात भी नहीं सुनता है, बात भी नहीं सुनते नहीं। और आधा अफसर ऐसा है, देखिए अभी सचिव साहब थे तो मेरा बात को सुने, उसने लेटर भी भेजे, लेकिन लेटर का भी अभी तक से कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि झारखंड में सरकार भी बदल गई है, भले ही सरकार बीजेपी का हो या सरकार जेएमएम की हो या अन्य पार्टी की सरकार आए है, हमेशा ही जिनकी भी सरकार रही है कहती है कहीं ना कहीं हम महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए हम सोचे, लेकिन एक महिला अपनी एक बेटी के साथ में दर बदर की ठक्करें खा रही है। और ये जितनी भी इनके पास में जो आवेदन देख रहे हैं, ये अभी बेकार ही साबित हुआ है, अभी तक इस महिला को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस खबर के बाद पीड़ित महिला को न्याय मिल पाएगा या नहीं। खबरों में फिलहाल इतना ही, खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ चॉप इंडिया। नमस्कार।